हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग और आपका स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। एंड आई नो मैं ये वीडियो काफ़ी टाइम के बाद बना रहा हूँ, 15 दिन हो चुके हैं, 2 हफ्ते, मतलब पिछले संडे भी नहीं बनाया, उससे पिछले संडे भी नहीं बनाया। एक्चुअली कुछ काम था एंड एग्ज़ाम भी था, तो उसमें बिजी था मैं। यहाँ पे मैं ब्लॉग शूट करने जा रहा हूँ, प्लेस का नाम है पंजतीर्थी। वहाँ जाके किस चीज़ का ब्लॉग शूट करूँगा वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊँगा, बट उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो सब आराम कर रहे हैं। मम्मी आज ब्लॉग शूट करने जा रहा हूँ, मेरे साथ चलोगे? इन्होंने पिछली वीडियो में बोला था कि मेरे साथ चलेंगी, बट अभी ये जा नहीं रही हैं, मुकर गई अपनी बात से। कोई बात नहीं। और ये रही मेरी दादी जी, सब आराम कर रहे हैं। तो दोस्तों मेरी बेइज्जती की जा रही है कि तेरे बाल जलेबी जैसे हो गए हैं, और पता नहीं क्यों ये बाल ठीक ही नहीं हो रहे। मैंने बालों को ठीक करने का कोई नुस्खा या कुछ वैसा ट्रीटमेंट हो तो मुझे ज़रूर बताना, बट अभी तक किसी ने बताया नहीं है। तो कमेंट सेक्शन में बता दिया करो कि ये जो बाल है मेरे, इनको ठीक करने का कोई तरीका है कि नहीं। चलो बने रहना मेरे साथ और एंड तक ज़रूर देखना वीडियो को। अभी हमको आधे रास्ते में ही बस से उतार दिया गया क्योंकि आगे रोड बंद था, तो एटलीस्ट 5 किलोमीटर अभी हम पैदल चल चुके हैं और हमारे डेस्टिनेशन बस आने ही वाली है, तो वहाँ पहुँच के फिर बात करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं ललित नान हाउस, जो इनके यहाँ का नाम है शॉप का। एंड ये देखो आपको दिखा देता हूँ, नीचे लिखा हुआ है। एंड काफ़ी दूर से हम लोग यहाँ पे आए हैं, पहले तो हम रास्ता भटक गए थे, वहाँ पे चले गए थे अंदर, और वहाँ से अभी यहाँ पे आए हम लोग। और ये इस शॉप के ओनर हैं। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम ललित कुमार है। ललित कुमार, अच्छा ये आपके नाम पे शॉप है जी। ये कितने साल से आप यहाँ पे काम कर रहे हो? मेरे को हो गए भैया 42 साल। अच्छा, लेकिन काफ़ी ज़्यादा फेमस है, मैंने इंस्टाग्राम पे काफ़ी ज़्यादा देखे हैं, इनके चर्चे हैं, क्योंकि अलग अलग टाइप के ये नान बनाते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस किस टाइप के नान हैं, मेन्यू पूरा दिखाऊंगा, तो आप देखना किस तरह से बनता है और फिर हम खाएंगे। कलाड़ी पिज़्ज़ा नान, अच्छा तो ये कलाड़ी पिज़्ज़ा नान है। तो देखो इसमें कलाड़ी डाल दी है, आपने मेरी पहले ही वीडियो देखी होगी कलाड़ी वाली। और ये देखो कैसे मस्त तैयार कर रहे हैं, बहुत तरह के ऑलमोस्ट 10 से 12 टाइप के नान बनाते हैं यहाँ पर। ऑयल लगा दिया थोड़ा सा, ये कलाड़ी वाला ही है। अच्छा अभी पिज़्ज़ा बनाएंगे दोस्तों, अभी इसको पूरा तैयार करेंगे अच्छे से। पिज़्ज़ा खाने से अच्छा आप ये खा लो, आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी। फ्रेश है ना अंकल जी? बिल्कुल फ्रेश फ्रेश। दोस्तों अभी हम लोग जो नान खा रहे हैं वो आपको दिखा देता हूँ। एक है इसमें से चिल्ली नान जो मैं खा रहा हूँ, और एक खा रही है अच्छा नान। बहुत टाइप के नान हैं, मैं आपको अभी मेन्यू दिखाता हूँ कि आपको किस किस टाइप के नान यहाँ पे मिलते हैं। एंड आओ यहाँ पे एंजॉय करो, कभी आना ज़रूर। अगर आप जम्मू में रहने वाले जम्मू के, तो ज़रूर यहाँ पे एक बार आकर ट्राई करना। कुछ इस टाइप के नान हैं यहाँ पे अवेलेबल, देखो 1 2 3 4, तो कितने टाइप के हैं, 10 से तो ज़्यादा टाइप के नान यहाँ पर आपको खाने के लिए मिल जाएंगे। और कलाड़ी पिज़्ज़ा नान जो अभी इस फिलहाल अभी खाया जा रहा है, आपको देखो एकदम डिसेंट प्राइस में आपको बहुत टाइप के नान मिल जाएंगे। तो आपको एक एक करके दिखाता हूँ ये किस तरह से उसको बनाते हैं, एकदम फ्रेश नान मिलेंगे आपको यहाँ पे, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये आ गया पिज़्ज़ा नान, कलाड़ी पिज़्ज़ा नान कुछ भी कह लो। ये देखो दोस्तों तैयार है, और अभी इसको जो भी बाकी चीज़ें करेंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखो अभी लगा रहे दोस्तों ये अमूल बटर, ये हो गया है कलाड़ी पिज़्ज़ा तैयार। और देखो इसके साथ ये देते हैं छोले, जिसको चने भी बोल सकते हो आप, और साथ में प्याज और चटनी। और ये देखो कितना मस्त तरीके से सजाया हुआ है, पिज़्ज़ा से तो काफ़ी ज़्यादा फार बेटर नान है ये। भाई का पेट हो गया फुल, अभी इससे ये खाया नहीं जा रहा, लेकिन ख़त्म तो करना पड़ेगा।
खा ले। ये कैसा लगा तेरे को नान बता? पिज़्ज़ा से बेटर था ना? ये बता दो, ये जो मसाले रखे हैं ये कौन कौन से मसाले हैं? ये और ये और ये कलाड़ी, ठीक है ओके। और ये सिंपल आलू। और अभी ये बना रहे हैं कलाड़ी नान, इसकी स्टफिंग कर दी है ये देखो दोस्तों। और ये है पनीर वाला नान, ये मिक्स। और ये आ गया दोस्तों कलाड़ी नान, ये देखो कलाड़ी नान तैयार है। और ये दोस्तों आ गया पनीर वाला नान, देखो दोस्तों अभी वो नान बन रहा है, इसका नाम है चूर चूर नान, पता नहीं क्या सोच के डाला है लेकिन ठीक है, अभी पूरा देखते हैं किस तरह से ये बनता है। तो दोस्तों ये हो चुका है चूर चूर नान तैयार, अभी इसमें ऐसा क्या करेंगे जिसकी वजह से इसका नाम चूर चूर है तो अभी दिखाएंगे आपको। अभी इस पर पूरा बटरिंग की जा रही है और बटरिंग करने के बाद ऐसा क्या करते हैं वो देखना बाकी है। और ये देखो इन्होंने तो पूरा तोड़ ही दिया नान को, तो भैया इसलिए इसको चूर चूर बोलते हैं। ओके तो दोस्तों इसलिए इसको चूर चूर बोलते हैं क्योंकि इसको पूरा तोड़ देते हैं। देखा अभी मैंने आपको एक एक नान कैसे बनाते हैं, भैया कैसे बना रहे थे आपको सब दिखा दिया, तो ये ओनर है उनसे थोड़ी बातचीत हो जाए। ये कितने साल पहले ही आपने स्टार्ट किया ये अलग अलग टाइप के नान बनाना? ये हो गए कोई 3 साल हो गए हैं ये अलग अलग टाइप के बनाना। तो ये किसका आइडिया था, मतलब ऐसा कि ये सब लॉकडाउन की देन है? पीछे लॉकडाउन की वजह से इनको ऐसा आइडिया आया दोस्तों। बट फिर घर में बैठे बच्चे बोले पापा कोई खिलाओ, फिर बस ऐसे ही अलग अलग चीज खिलाओ। सही है, बस तो खुद सोचो दोस्तों कि लॉकडाउन में लोग सोचते कि हमारे साथ ये हो गया वो हो गया, बट इन्होंने हार नहीं मानी और इनके मतलब इनके बच्चों ने भी काफ़ी हेल्प की इनकी कि कुछ यूनिक आइडियाज़ हम लोग अगर पुट करेंगे अपने इस बिज़नेस में तो हमें काफ़ी हेल्प मिलेगी। और देखो आप रिज़ल्ट सामने दिखाई दे रहा है कि भीड़ इतनी ज़्यादा होती है कि इनका अंदर जो पूरे टेबल्स चेयर्स सब भरी रहती है और बिल्कुल इनका खाली नहीं रहता। वो यहाँ पे आके ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये हमारे जम्मू में ही है, यह पंचतीर्थी नाम से लोकेटेड एरिया है। यहाँ पे आपके आके यहाँ पे आके आप किसी से भी पूछ लेना ललित नान हाउस, आप किसी से पूछ लेना आपको पता चल जाएगा, वो बता देंगे एंड आपको मतलब कि ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुके हैं वैसे भी जम्मू में। तो एक रुपये का नान बेचता था मैं, सोचो दोस्तों घी लगा के 1 रुपये का नान बेचते थे और अब देखो उसका ज़्यादा प्राइस नहीं है बट 50 रुपीज़ रीजनेबल प्राइस है किसी भी नॉर्मल नान को खाने का। मैंने चिल्ली नान खाया, उसके बाद मैंने लच्छा नान खाया और कलाड़ी पिज़्ज़ा नान खाया, मेरे को बहुत ज़्यादा तो बहुत ज़्यादा अच्छा नान था। आप यहाँ पे आके ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू भैया आपने इतने अच्छे नान खिलाया हमें। तो दोस्तों यही है जो नान बनाते हैं कुक जो यहाँ के मेन है वो यही है एंड बाकी लोग सर्व करते हैं। और इनका नाम पूछ लेते हैं, भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम है सर नौता प्रसाद। ओके ओके एंड आप भैया कितने साल से यहाँ पर काम कर रहे हो? शॉप में मेरे को 8 साल हो गए। 8 साल से यहाँ पर काम कर रहे हैं और अलग अलग वेराइटी के नान दिखाए इन्होंने, आप एक बार यहाँ पर चेकआउट ज़रूर कीजिएगा और आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा अलग अलग टाइप के नान खाने का। एंड चलो बाकी लोगों से ही बात करते हैं। भैया आप बताओ कि आप यहाँ पे कितने टाइम से काम कर रहे हैं अपने पापा के साथ? हाँ 2 साल के बाद हो गए हैं मेरे को इधर। अच्छा तो स्टडी भी साथ साथ में कर रहे हो? हाँ जी हाँ जी। तो फिर दोस्तों स्टडी भी साथ साथ में कर रहे हैं और यहाँ का अपने पापा का बिजनेस भी संभाल रहे हैं। और आपको बताया कि यहाँ पे आके आपको अलग अलग वैरायटी के नान मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा और एकदम हाइजीन तरीके से काम होता है। ओके थैंक यू भैया। हाँ जी वेलकम। फाइनली दोस्तों अभी हम घर पे आ चुके हैं एंड शाम को 6 बजे तक घर पे पहुंच गया था मैं और अभी एडिटिंग कर रहा हूँ और रात के अभी बज चुके हैं 8 और एडिटिंग कंप्लीट हो जाएगी मे बी 10 बजे तक या 10:30 तक और फिर शायद मैं आज ये वीडियो अपलोड कर दूँ और अगर आज नहीं कर पाया तो कल सुबह तक ये वीडियो अपलोड हो जाएगी। बट मैं ट्राई करूँगा कि आपके लिए ये वीडियो आज ही रात को अपलोड कर दूँ। एंड कैसी लगी अभी तक ये आपको मेरी वीडियो? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो को और अगर नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा।
एंड मैं ट्राई करूँगा कि अगली बार जल्दी से जल्दी आपके लिए वीडियो लेके आऊँ। बाकी दोस्तों जो भी आज मैंने मतलब जो वीडियो शूट किया जिस नान की जो शॉप थी वहाँ जाके जो मैंने ब्लॉग शूट किया है तो उसका एड्रेस मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँ ताकि आप देख के अगर आपको वहाँ जाके विजिट करना है तो आप वहाँ जाके देख सकते हो तो आपको मिल जाएगा एड्रेस एंड आप वहाँ जाके एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप जम्मू के हो तो ज़रूर जाइएगा, अगर आप बाहर के और कभी जम्मू आने का प्लान हो तो भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलो अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।